जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, नहीं भी होंगे तो ये जो गुड न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूँ वो सुनने के बाद आपकी तबीयत जरूर खुश हो जाएगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी की नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, तो साथियों यहाँ पर एसएससी जीडी की 2024 के लिए जो बम्पर वैकेंसी का इंतज़ार हम और आप लोग कर रहे थे वो उसका डिक्लेरेशन हो चुका है और उसका जो एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल होता है वो भी यहां पर जारी कर दिया गया है। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही हटके टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी में कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि अंकित बैनपुरिया सर का 75 डेज हार्ड चैलेंज का बहुत वीडियो वायरल हुआ था, उसी से थोड़ा सा मोटिवेट होकर मैंने क्यों ना एक वीडियो आपके लिए बनाया जिसमें एसएससी जीडी का 75 डेज का हार्ड चैलेंज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और वो हार्ड चैलेंज क्या है दोस्तों, उसके बारे में डिटेल चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथियों, आपको बता दूं, 75 डेज हार्ड चैलेंज मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपका एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसमें यह बताया गया है कि आपका नवंबर महीने में आपकी जो डिटेल वैकेंसी की जानकारी आपको आ जाएगी। इसी के साथ नवंबर में ही 24 नवंबर से आपके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर में वो 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपका फरवरी से लेके मार्च तक जो है आपका रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे, आपका जो रिटर्न एग्जाम का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। तो हमारे पास अगर ये मंथ छोड़ दे तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी केवल 3 मंथ यहां पर हमारे पास बचते हैं, यानी 90 दिन हमारे पास बचते हैं। तो क्यों ना हम 75 डेज हार्ड चैलेंज मानकर इस अपॉर्चुनिटी को ले ले और हमारे एक सीट यहां पर एसएससी जीडी में पक्की करें। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की वीडियो देखते देखते इस वीडियो तक पहुंचे हो और आप कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, 75 डेज हार्ड चैलेंज यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो अंकित बैनपुरिया सर का जो 75 डेज हार्ड चैलेंज है वो अपने आप में एक बदलाव लाने के लिए यहाँ पर लिया गया था, जिसमें उनके जो 5 रूल्स है उसको फॉलो करने के बाद ही आप 75 डेज हार्ड चैलेंज को पूरा कर सकते थे और उसमें 99% लोग यहाँ पर फेल हो जाते थे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ जब ठान लेते हो करने की तभी आप उस चैलेंज को कर पाते हो। जैसे आपके माइंड में या आपके दिमाग में वो एक डोपामाइन नाम का एक जो रसायन तैयार होता है वो आपको उस चीज़ को ऊर्जा देता है उस चीज़ को करने के लिए। तो साथियों, इसीलिए हार्ड चैलेंज लेकर मैं आया हूँ, क्योंकि इसको फॉलो करने के बाद आप एसएससी जीडी में 2024 में 100% आपकी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए पहले तो फिटनेस जो चैलेंज था अंकित बैनपुरिया सर का उसको समझते हैं और फिर उसको कंपेयर करेंगे एसएससी जीडी की जो नए एस्पिरेंट्स है जो अपनी देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं और 2024 में अपना सीट पक्का करना चाहते हैं, उनका कंपेरिजन यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, फिटनेस चैलेंज जो होता है अंकित बैनपुरिया सर का वो क्या था कि आपको डेली एक सेल्फी लेनी है, जो कि हम हमेशा लेते हैं। सेकंड जो पॉइंट था उनका वो ये था, 3 से 4 लीटर पानी आपको रोजाना पीना है। इसी के साथ एक्सरसाइज आपको करनी है 2 टाइम। इसी के साथ उनका नेक्स्ट जो था 4 नंबर का पॉइंट, ईट हेल्दी फूड, यानी हेल्दी फूड आपको लेना है, कोई भी जंक फूड आपको उसमें नहीं लेना है। और लास्ट जो उनका था, रीड एनी, मतलब कोई भी ऐसी धार्मिक किताब आप पढ़ सकते हो जिसमें 6 से 7 पन्ने आपको डेली पढ़ने। ये तो अंकित बैनपुरिया सर का था, जो कि कई बंदों ने इसको फॉलो करके अपने जीवन में बदलाव लाया है। तो दोस्तों, हमारा जो मेन जो इस वीडियो का मकसद है वो 75 डेज हार्ड चैलेंज हमारा एसएससी जीडी के लिए मैं लेकर आया हूँ। मेरे दिमाग में 75 डेज हार्ड चैलेंज अंकित बैनपुरिया का जो वीडियो था उसको देखने के बाद मैंने यहाँ पर एसएससी जीडी का चैलेंज आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको ये एक्सेप्ट करना है दोस्तों, और इसमें मैं 5 पॉइंट आपके लिए बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में आमूलाग्र बदल ला सकते हो, बहुत बदल ला सकते हो। दोस्तों, ये चैलेंज आपको अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए करना है, जिनके आँखों में ये सपना है दोस्तों कि पिछली जो भर्ती थी उसमें 48,000 प्लस वैकेंसी थी, उसमें 48,000 स्टूडेंट जो भी थे, एस्पिरेंट जो भी थे, उनको नौकरी लग गई, तो उनके लिए तो ये उनके घरवालों के लिए खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर आपके घरवालों के मन में जो अभी भी आपके प्रति भावना है उसको आपको पूरा करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 आपको चैलेंज जो है, 5 डेली रूटीन फॉलो करने हैं जिससे कि आपका ये जो 75 डेज हार्ड चैलेंज है। और सभी जो भी यहाँ पर एसएससी जीडी के नए एस्पिरेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको कमेंट के माध्यम से आज से ही एक दिन काउंट करके डेली कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि मेरा 1 डे कंप्लीट हुआ और लास्ट के 75 डेज तक आपको ये
रूल फॉलो करने हैं। और फिर देखिए, जब आप जनवरी फरवरी में एग्जाम देने जाओगे और आपके जब 120 140 प्लस नंबर आएंगे, तब आप याद करोगे कि हमने 75 डेज एसएससी जीडी चैलेंज का वीडियो देखा था। तो दोस्तों, रेडियो मोबाइल टाइम नंबर एक यहाँ पर आता है दोस्तों, जो हमारा हार्ड चैलेंज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि रेडियो मोबाइल टाइम यानी आपको मोबाइल का जो टाइम होता है जिसका आप डेली यूज़ करते हैं, उस टाइम को कम करना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मोबाइल चलाना बंद कर देना है, आपको जो मोबाइल का समय है उसको कम कर देना है। जितना आप रील्स देखते हो, जितना आप इंस्टा देखते हो, उस टाइम को आपको कम कर देना है, ताकि आपका जो समय बचेगा उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ आप आपके एसएससी जीडी हार्ड चैलेंज के लिए कर सको। ये नंबर एक रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको फॉलो करना ही है। सेकेंड है साथियों, इसमें इंक्रीज स्टडी टाइम। देखिए, यहाँ पर कोई बच्चा एक घंटा पढ़ता है, कोई चार घंटा, कोई छः घंटे भी पढ़ता है, तो जो भी आपका स्टडी टाइम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको हर दिन हर 24 घंटे आपको पढ़ाई में ही लगे रहना है, लेकिन आप जितना पढ़ते हो उसमें आपको डेली 5 से 10 मिनट आपको इंक्रीज करने हैं आपके डेली पढ़ाई में। तो दोस्तों, ये आपको रूल्स फॉलो करना है जब तक आप एसएससी जीडी की सीट क्लियर नहीं कर लेते। थर्ड यहाँ पर पॉइंट में जो मुझे लगा साथियों कि इसमें होना चाहिए, वो है दोस्तों मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए या प्रीवियस ईयर की बहुत बुकलेट यहाँ पर या बहुत कॉपीज आपको मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे थे वो आपको पता लग जाएगा, जिससे कि आपको आइडिया आएगा कि कैसे किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी जीडी पूछती है। तो ये आपको करना है। इससे पहले आपको बुक्स पढ़नी है साथियों, केवल ऑनलाइन जो आपकी पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मत जाइए, आपको बुक्स का भी यहाँ पर आधार लेना है। इसको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि आप कोई जंक फूड खाते हो, चाइनीज़ फूड खाते हो, लेकिन जो घर का खाना होता है वो हेल्दी होता है, उसी तरह से जैसे ऑनलाइन क्लास आप लेते हो दोस्तों, वो एक अलग पढ़ाई है, लेकिन आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आपका बेस मजबूत करने में हेल्प करेगा। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ दोस्तों, फिजिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे कितने ही यहाँ पर 160-180 नंबर लेके आओ, लेकिन आपके जो आपका फिजिकल है, अगर वो स्टैंडर्ड आपका डाउन है, तो आप यहाँ पर एसएससी जीडी पास नहीं कर सकते हो। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है वो भी आपको इंक्रीज करना, यानी डेली आपको फिजिकल करना ही करना है। 5 किलोमीटर की जो रेस है आपकी, उसकी प्रैक्टिस आपको टाइम लगाकर करनी ही करनी है। तो आपको ये डेली रूटीन में आपका, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, थोड़े 2-3 महीने आपको क्या करना है साथियों, अपने आप को बिल्कुल ऐसे झोंक दीजिए कि आपको ये जो 75 डेज हार्ड चैलेंज है वो आप एक्सेप्ट करोगे, तो आपको निश्चित ही यहाँ पर सफलता मिलेगी। और डेली फिजिकल करोगे तो आपको फिजिकल पास करने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी साथियों। अगला जो हमारा लास्ट यहाँ पर पॉइंट है, जो डेली रिवीजन आपको करना है, जो आप पढ़ते हो चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप पढ़ते हो दोस्तों, जो भी बुक्स आप पढ़ते हो उसको रात को सोने समय, जब आप फ़ोन चलाने में आप समय बर्बाद करते हो, उस समय को यहाँ पर आपको स्किप कर देना है, और वो समय आपको रिवीजन के लिए यूज़ करना है दोस्तों। जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी बुक्स आपने पढ़ी है उसको रिवीजन करिए, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, जो समय आप फ़ोन चलाने में बर्बाद करते हो। तो साथियों, आपको ये जो 5 जो चैलेंज है, 5 जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको 75 डेज डेली आपको इसको फॉलो करना है दोस्तों, अगर ये 5 जो पॉइंट्स हैं, अगर ये 75 डेज आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो डेली कमेंट बॉक्स में आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए कि सर, मेरा आज से एक दिन 75 डेज हार्ड चैलेंज का एक दिन पूरा हुआ। और जब 75 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे और जब आपका रिटर्न एग्जाम आ जाएगा, तब आपको जब आप एग्जाम देकर वहां पर एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, जब आपका 140 प्लस स्कोर आएगा, तब आपको याद आएगी कि जो मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज लिया था वो मैंने पूरा कर लिया, और एसएससी जीडी में आपकी एक सीट यहाँ पर पक्की मान के चलिए दोस्तों। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो एडमिट कार्ड आने के बाद यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो उनको पता लग गया होगा इस साल उनका क्या हश्र हुआ है। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी निश्चित यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 के लिए एक सीट पक्की मान के चलिए। तो दोस्तों, आज से ही इस 75 डेज एसएससी जीडी हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर डेली बताइएगा कि सर, मेरा आज एक दिन कंप्लीट हुआ। और 75 डेज के बाद आपको आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, जो कि आपको
वर्दी के रूप में, आपकी ज्वाइनिंग लेटर के रूप में आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो 75 डेज हार्ड चैलेंज का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया था वो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए दीजिए आपके फौजी भाई को इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।